श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव पंडित जी के मुखारविंद से उपाय सुने। 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में जो लोग गया जी नहीं जा सकते, ब्रह्म कपाली करने नहीं जा सकते, किसी जलाशय पर जाकर तर्पण तिलांजलि नहीं कर सकते, तो गरुण पुराण कहती है 16 श्राद्ध में 16 दिन तक गया फाल्गुन नदी का पूरा पुण्य, गया सुर का मुख का हस्त कमल का पूरा पुण्य गाय माता के मुख में आकर विराजमान हो जाता है। 16 श्राद्ध में गाय को एक रोटी अगर दी जाती है तो गया जी में पिंड दान करने का पूरा पुण्य फल जीव को प्राप्त हो जाता है। जीव को प्राप्त। पुण्य प्राप्त हो जाता है। अगर गया नदी नहीं जा सकते, फाल्गु पर नहीं जा सकते, गया का पिंड करने नहीं जा सकते, दो चीजें अपने जीवन में उतार लीजिए। एक 16 श्राद्ध में हमें गाय को रोटी देना है, खूब तला हुआ, खूब पका हुआ, खूब घी में या तेल में तर बतर गौ माता को नहीं देना। उसका कारण क्या है वो भी समझ लीजिए। रोड पर कॉलोनियों में जो गाय घूमती हैं, इन रोड पर कॉलोनियों में घूमने वाली गाय जगह जगह पर पोलेथिन वगैरह खा लेती है। बोलो खाती कि नहीं खाती? पोलेथिन जब गाय खाती है तो उसके पेट में जम जाता है, उससे गाय के पेट में कैंसर हो जाता है। उसको तुम अच्छा पदार्थ खिलाओगे तो गाय हो सकता है कि बीमार पड़ने लगे। इसलिए ज्यादा घी का, तेल का कोई पदार्थ गौ माता को ज्यादा ना दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव उपाय अवश्य करें। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। धन्यवाद।